हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जिसके मदद से आप लोग आपका सिम कार्ड को भी लॉक कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग जैसे आपका फोन को सिक्योर करने के लिए फोन को लॉक करते हो, फोन में पैटर्न लगाते हो, पासवर्ड देते हो, फिंगर देते हो, ऐसे ही आपका सिम कार्ड में दोस्तों पासवर्ड दे सकते हो, लॉक कर सकते हो। दोस्तों, पासवर्ड देने पर क्या होगा, आपका सिम सिक्योर रहेगा। अगर आपका मोबाइल खो गया है तो वो सिम को कोई भी नहीं चला सकते है, क्योंकि अगर मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करेगा तो सिम पहले पासवर्ड ही मांगेगा, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड दे सकते है वो बंदा जिसको मोबाइल मिला है, तभी सिम को चला पाएगा, फोन को यूज कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, तो पासवर्ड कैसे देता है, दोस्तों सिम कार्ड पासवर्ड देने के बाद अगर आप लोग पासवर्ड को भूल गए हो तो यहाँ पर आप लोग 3 टाइम रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो सिम पीयूके कोड मांगेगा, ठीक है। दोस्तों, पीयूके कोड क्या होता है, पीयूके कोड को कैसे अनब्लॉक करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को टोटल जो डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो जरूर शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करोगे तो आपका सिम ब्लॉक भी हो सकता है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा सिम कार्ड का जो ऑप्शन। दोस्तों, ज्यादातर मोबाइल में सिक्योरिटी में ही रहता है, तो मेरा मोबाइल में एडिशनल सेटिंग पर है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद मेरे को मिलेगा यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिवाइस एंड प्रीवियसली, ठीक है। प्रीवियसली सेटिंग में ज्यादातर मोबाइल में रहता है, तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सिम सेटअप सिम कार्ड लॉक, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा सेटअप सिम कार्ड लॉक। तो मैं सपोज मेरा 2 नंबर सिम में सिम कार्ड पासवर्ड देना चाहता हूँ, लॉक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अनटिक है, तो यहाँ पर इसको ओके करना होगा। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लीज एंटर योर सिम पिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रोवाइडर है उसका जो डिफॉल्ट एक पिन रहता है वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो वोडाफोन आइडिया का सिम है, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट जो पिन होता है आइडिया का वो मैंने एंटर कर दिया 1234, तो फिर इसको ओके कर दिया। दोस्तों देखिए, मेरा जो सिम कार्ड है सिम पिन लॉक हो गया है, ठीक है, लॉक सिम कार्ड एनेबल्ड हो गया है, तो मतलब मेरा सिम कार्ड लॉक हो गया है। दोस्तों, अभी इस सिम कार्ड को मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करूँ तो सिम कार्ड पहले मेरा मोबाइल में वो सिम कार्ड का पासवर्ड मांगेगा, तभी मेरा मोबाइल ऑन होगा और मैं सिम से बात कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये मोबाइल चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो दोस्तों मेरा सिम वो नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो उससे ऐसे होता है सिम कार्ड लॉक। दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोग सिम कार्ड लॉक कर दिया हो, ठीक है, और इसके बाद आपका सिम का पासवर्ड आप लोग भूल गए हो तो क्या करना होगा, भूल गए हो तो आप लोग 3 टाइम रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट देते हो तो आपका जो सिम पीयूके कोड मांगने लगेगा। दोस्तों, पीयूके कोड क्या होता है, पीयूके कोड होता है एक टाइप का कोड जो आप लोगों को कस्टमर केयर सर्विस से मिलेगा। दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास वोडाफोन का सिम है, आइडिया का सिम है, अगर आप लोग आइडिया का सिम में पासवर्ड दिया हो तो आप लोग दूसरे एक आइडिया से सिम से आइडिया का सिम से कस्टमर केयर में कॉल करो, तो फिर आप लोग का प्रॉब्लम बोलो तो वहां पर आप लोगों को कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आप लोग 2 इन्फॉर्मेशन दे देना, आपका लास्ट रिचार्ज कितना हुआ था और सिम किसके नाम पर है, ठीक है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, ये आप लोग बोल देना, तो आपका जो पीयूके लॉक कस्टमर सर्विस पॉइंट से आप लोगों को दे देगा। दोस्तों, इसके बाद आप लोग पीयूके लॉक दे देना वहां पर, तो आपका सिम जो खुल जाएगा। दोस्तों, पीयूके लॉक मांगने के बाद आप लोग अगर 3 टाइम रॉन्ग पीयूके कोड देते हो तो आपका सिम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जब पीयूके कोड मांगेगा तब आप लोगों को वहां पर गलत पासवर्ड नहीं देना है, आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग सर्विस सेंटर में कॉल करो, तो वहां से पीयूके कोड मांगा लो, तो फिर वहां पर पीयूके कोड एंटर कर दो। पीयूके कोड एंटर गलत अगर 3 टाइम आप लोग कर दो तो आपका परमानेंटली सिम ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आपका सिम परमानेंटली ब्लॉक हो गया है तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोग को नियरेस्ट जो रिटेलर पॉइंट है वहां पर जाना होगा आधार कार्ड लेकर, ठीक है। दोस्तों, अभी तक तो आधार कार्ड में काम हो रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्दी आधार कार्ड का काम नहीं होगा, वोटर कार्ड में ही सिम चालू होना होगा। दोस्तों, अभी अगर सिम आपका पासवर्ड सिम ब्लॉक हो गया है परमानेंटली, तो आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर रिटेलर पॉइंट में जाओ और आधार कार्ड लेकर जाओ, तो फिंगरप्रिंट देकर आपका उसी नंबर पर सिम आप लोगों को मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो सिम मेरे को अभी तो लॉक नहीं करना है, मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर दूंगा। दोस्तों,
जो मेरा डिफॉल्ट पासवर्ड है वही अभी सेट है यहाँ पर, तो मैंने अगर चाहूँ तो यहाँ से पासवर्ड को चेंज भी कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पासवर्ड देना होगा जो मैं पहले दिया था 1234, तो यहाँ पर मेरे को न्यू पासवर्ड देना होगा। तो मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको अनब्लॉक करता हूँ, 1234 कर दिया। दोस्तों इसी तरह आप लोग आपका सिम को सिक्योर रख सकते हो, आपका जो सिम को लॉक कर सकते हो, पीयूक को अनब्लॉक कर सकते हो। आपका सिम अगर ब्लॉक हो गया है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका नियरेस्ट वोडाफोन आइडिया आपका जो प्रोवाइडर का सिम है उसी डिपार्टमेंट में जाओ, आपका आधार आईडी लेकर और उसको बोलो ये प्रॉब्लम हुआ है, वो आपका सिम नया दे देगा उसी नंबर पर। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, आप लोग इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।